मेरे बच्चे भी वही है, मेरी बीवी भी वही है, वो भी नहीं बदले, घर भी वही है, क्या बदला कुछ भी नहीं। अच्छा अली, अगर प्राइम मिनिस्टर बना दें आपको एक दिन के लिए तो क्या करेंगे? यहाँ तो हम मेरे वश में ही नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता मुझे तो एक दिन कह रही है दोस्तों, सालों के साल होते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते। सही बात है, तो एक दिन में क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ से माशाल्लाह गंज है, बाकी मैं एक हूँ। अच्छा गंज, जो आप गंज का मतलब ये सिंधी में कि माशाल्लाह उसे बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं आप समझे सब गंजे ही हैं। अच्छा चलें, बड़ा मुझे दुख भी हुआ अली को मैंने रुला दिया, इतना इमोशनल कर दिया, इमोशनल कर दिया। अच्छा अली, अगर प्राइम मिनिस्टर बना दें आपको एक दिन के लिए तो क्या करेंगे? यहाँ तो हम मेरे वश में ही नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता मुझे तो एक दिन कह रही है दोस्तों, सालों के साल होते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते। सही बात है, तो एक दिन में क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। चले हम आपसे जो है ना बहुत मजे के क्वेश्चंस करते हैं ताकि थोड़ा सा आपका मूड भी जरा चेंज हो। अगर आपको गायब कर दिया जाए, इनविजिबल कर दिया जाए, यानी कि आप नजर ना आए लेकिन आप हो मौजूद, तो कहाँ जाना चाहेंगे? किसके पास जाना चाहेंगे? किसको देखना चाहेंगे कि आप उसको देख सके वो आपको ना देख सके? बस मैं तो फिर भी वही काम करूंगा भाई, पैसे जो जिनके पास पड़े हैं ना, जो लूटे हैं जिन्होंने खाए हैं, उनके पैसे उठाकर गरीबों के पास दे कहते ना, सही सोओगे तकिए के नीचे पैसे आ जाएंगे, ऐसे फेंकते जाऊंगा गरीब। मेरे ख्याल वो आप ही कर सकते हैं जो नजर ना आए, नजर आएंगे तो अपन नहीं कर सकते आप ऐसे ऐसे। अच्छा और कौन सा, चले लाइटर क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा उनका मूड चेंज हो जाए फिर हम दोबारा आते हैं। कौन सा खाना एक महीने तक आपको दिया जाए तो आप खा सकते हैं? मैं जो है दो खाने आपको जरूर बताऊंगा। एक मछली, क्योंकि मछली हम बहुत खाते हैं, एक मछली तो उससे हम सारा दिन भी खाते रहे, परवाह नहीं होती, तीनों टाइम जैसे होता है तो वो, और एक जो है ना दाल चावल, ये बहुत पसंद है। मछली और दाल चावल बहुत मजे के होते हैं। अच्छा चलें, अब खाने की जो ना जरा चेहरे पे रौनक आ गई ना खाने के नाम से, भूख तो नहीं लग रही? नहीं नहीं नहीं, मैं तो खा के आऊं। अच्छा चलें हम दोबारा से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। बचपन जो है वो आपका कैसा गुजरा? बचपन मेरा, फिर आप मैं रुलाएंगी, बचपन मेरा बहुत दुखों के साथ गुजरा, लेकिन मैंने एंजॉय किया उसमें, बहुत एंजॉय किया। कितने भाई बहन आप लोग? मैं जो मेरे भाई बहन वैसे तो बहुत हैं, लेकिन सगा मैं एक हूँ। अच्छा। मेरी वालदा जो है वो फौत हो गई थी। अच्छा। फिर जो है मेरे बाप ने दूसरी शादी की, वहाँ से माशाल्लाह गंज है, बाकी मैं एक हूँ। अच्छा गंज, जो आप गंज का मतलब ये सिंधी में कि माशाल्लाह उसे बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं आप समझे सब गंजे ही हैं, बहुत सारे हैं, तो एक बहन एक मैं हूँ। तो फिर बस अल्लाह ने यही कर्म किया है। और आप, तो आपके वालिद साहब क्या करते थे? मतलब वालिद साहब मेरे दोस्त थे। हाँ। उन्होंने शादी की थी लेकिन मैं उनका बंदा नहीं था। हाँ। उन लोगों के मिजाज का नहीं था, मैं आर्टिस्ट था, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं थी जो वो आर्टिस्ट के पैदाइशी होता है जी। देखिए गजल साहिबा, हमारे मुल्क की तकरीबन अभी तो 28 करोड़ आवाम हो गई है, तो इसमें आर्टिस्ट आप कितने, आप बहुत सारे को मेरे ख्याल में कोई 500 आर्टिस्टों को जानती भी होंगी, 1500 और कर दें जिनको आप नहीं जानती, इतने हैं ना, इतने होंगे। आटे में नमक के बराबर। हाँ, तो आर्टिस्ट ये कुदरती होता है, जो गाते हैं आवाज़ भी कुदरती होता है, सब नहीं गा सकते, सब एक्टिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, खर्च भी करते हैं अपने आप पर, या गाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि लोगों को पता है ये आर्टिस्ट नहीं है जेन्युइन। हाँ। तो जेन्युइन जो होता है वो अल्लाह की तरफ से उनको मिली हुई होती है कुछ चीज़। अच्छा मतलब अगर किसी को अगर सिखाएं आप एक्टिंग सिखाएं, जो स्कूल्स में बच्चे सीख रहे होते हैं, गाने सीख रहे होते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके अंदर वो आर्टिस्ट वाला स्पार्क होना चाहिए। ज़रूर, तब जब उनको शौक होगा तब वो बनेगा, तब बनेगा। तो इसलिए ये आर्टिस्ट में तो कुदरती होता है। तो आपको ये नहीं पता था कि आर्टिस्ट की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, उसको तो इतने पैसे ही नहीं मिलते हैं कि वो अपना घर चला सके। बिल्कुल, बस क्या करूँ, मैं बचपन में भी जो शादियाँ होती थी हमारे रिश्तेदारों में, मैं उधर तो कभी जो रिली कहते हैं जिसको रजाई, वो ऊपर दी उसको काट के बीच में से करता, ऐसे बड़े मश्किरियाँ करता था। अच्छा, कहीं से थप्पड़े खाई, कहीं से मजे। अच्छा, मौज ही मौज। अच्छा। फिर मैंने जो कॉमेडी शुरू की ना, लोगों को अच्छा लगने के लिए। अच्छा। अपने रिश्तेदारों को अच्छा लगने के लिए, तो वो फिर मजाक करता था तो वो कहते थे बड़े जो होते थे नहीं तो मारते थे ना,
तो वो कहते थे बोलो चढ़ो आ छोकरो, मतलब बड़ा शरारती है चल रहा है ऐसे। तो अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं सिंधी के कि जिसका तर्जुमा करना बड़ा मुश्किल होता है, तो शरारती बच्चा चल रहा है ऐसे। तो इस वजह से कि मैं लोगों को पसंद आऊं, तो मारे मारे पढ़ती थी इस चीज पे, वो मारे तो बहुत पढ़ी। हाँ। मारे बहुत पढ़ी। और फिर मैं आर्टिस्ट था। अच्छा। स्कूल में पढ़ता था, मामू ने स्कूल में छोड़ा था तो वहां मैं नदीम था। अच्छा। उसके गाने गाता था। अच्छा, मेरा पढ़ा, कितना पढ़ा आपने? हाँ? कितना पढ़ा? मैं इंटर किया है। इंटर किया। अच्छा। हाँ, तो मैंने प्राइमरी वहाँ अपने स्कूल में किया। मेरा उस्ताद होता था उस्ताद बारी, वो भी बहुत मारता था मुझे एक्टिंग पे। अच्छा, एक्टिंग पे हयात है वो? हाँ, वो अब तो नहीं, वो तो गुजर गया। फिर जब KTN वगैरह आई, जब पीटी में मैंने काम किया, तो KTN जब आया तो बहुत मशहूर हुआ था सिंध में। तो वो फिर अपने शागिर्द दूसरों को बताता था ये मेरे पास पढ़ा है। अच्छा, मेरा शागिर्द। अच्छा, ऐसा होता है। फिर मैंने अपने शोज में नाम भी लिया था उनका, तो वो खुश हुआ था, बहुत खुश हुआ था। कहते मैं बता रहा मेरा शागिर्द देखो नाम लिया मेरा। अच्छा, बिल्कुल। वैसे आम लोगों तक ये बात पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, आपके अलावा भी बहुत सारे हमारे बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं सिंधी मीडिया में भी, उर्दू मीडिया में भी। तो क्या एक आर्टिस्ट इस फील्ड में रहते हुए फुल टाइम अगर काम करता है तो उसका घर चल जाता है? बिल्कुल, असल में ये है कि अब तो चल जाएगा। हाँ। क्योंकि अब अगर हिम्मत करे। हाँ। सोशल मीडिया। हाँ। मतलब आज ही जिसमें ड्रामे में काम कर रहा हूँ शूटिंग, हाँ, जहाँ से आया हूँ मैं। हाँ। उनका डायरेक्टर कह रहा था कि आर्टिस्ट नहीं है, इतने बिजी हैं आर्टिस्ट। अच्छा। मिल नहीं रहे। हाँ, ये तो इतने ड्रामे हो रहे हैं, इतने चैनल आए हैं कि आर्टिस्ट बिजी हैं। सही बात है, मिल नहीं रहे। मतलब अच्छे आर्टिस्टों का तलाश करें, काम बहुत है। अच्छा। फिर यूट्यूब पे है, टिकटॉक पे है, हर सोशल मतलब मीडिया। इस दौर में अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो खुशनसीब है। खुशनसीब जो हमारे पुराने जो आर्टिस्ट गुजरे हैं, जो बड़ी मुफलिसी में अपनी जिंदगी उन्होंने गुजारी। मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ। मायूस हम भी होते हैं, लेकिन फिर अचानक से फिर ठीक हो जाते थे। तो मायूस नहीं होना चाहिए, मंजिल जरूर मिलती है। हम अपनी सिंधी मीडिया में भी बहुत खुश थे। रोटी रोजी अच्छी थी, काम चल रहा था। हमें जितने भी चैनल सिंधी मीडिया के हमें पसंद करते हैं। हाँ। हम दोनों को बहुत पसंद करते हैं कि भाई आप हमारे पास काम करो। हाँ। ऑफर देते हैं। हाँ, हाँ। अभी एक नया चैनल आया, उन्होंने ऑफर दी, बहुत अच्छी डबल भी दी, जहाँ हम काम कर रहे हैं। हाँ। डबल में दी। हाँ, हाँ। लेकिन हमने कहा कि वो हमें अच्छा रखे, उन्होंने रखा है, और वो हमसे पूछते नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो। तो ये घर के जैसा है, हम इधर नहीं आएंगे। हाँ, नहीं, बहुत प्यार करने वाले हैं लोग जो आप को इतना एडमायर करते हैं सब। और फिर बचपन के बाद जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो बस मुझे जाना था। हाँ। एक तो हैदराबाद। हाँ। क्योंकि उस जमाने में रेडियो था। हाँ। फिर मुझे जाना था कराची। अच्छा। या लाहौर। अच्छा, फिल्मों में काम करने का शौक था उस वक्त? बहुत शौक था मुझे फिल्मों में काम। कभी फिल्में की आपने? फिल्में मैंने जो है ना, नदीम का मैं परस्तार था। हाँ। फिर उनके हाथों मुझे अवार्ड भी मिला। अच्छा। टीवी के जरिए। वाह। और ये इकबाल सईद अंसारी साहब वालों की बड़ी मेहरबानी है, मंजूर कुरैशी साहब वालों की, जिन्होंने मुझे अवार्ड से भी नवाजा। और नदीम बेग के हाथों मिला। हाँ। वो बड़ी खुशी मेरे, आज तक ऐसी खुशी मुझे नहीं मिली। अच्छा। फिर नदीम बेग के साथ मैंने एक फिल्म भी की। अच्छा। लेकिन वो चली नहीं। अच्छा। उसका नाम था तुमसे प्यार है। अच्छा। उसमें इन्होंने इमरान हाशमी को कास्ट किया था। उस जमाने में इमरान हाशमी साहब कोई 20 लाख में इनके कास्टिंग में आया था। हाँ। 20 लाख के करीब वो ले रहा था, लेकिन शूटिंग उनकी हो सकता है कराची भी आए, नहीं तो दुबई में करनी पड़ेगी। अच्छा। तो ऐसे था। पर उस जमाने में आर्टिस्ट भी आते जाते थे, ये राहत फतेह अली साहब गए थे, हमारे कॉमेडियन भी गए थे वहाँ, मुकाबले जीते थे। हाँ। यानी राह हमवार थी। हाँ। तो उन्होंने उठाया। फिर जब फिल्म शूटिंग पाकिस्तान में पता है लेट हो जाती है, उसमें शफी मोहम्मद शाह भी था। अच्छा। उस फिल्म में फिर वो ऐसे लेट हुई कि शूट हुई उसके। हाँ। बाद फिर 6 महीने के बाद शूट। जब इमरान हाशमी को उन्होंने बुलाया। हाँ। कास्टिंग के, अब आप आ जाएं शूट के लिए, उनका 20 लाख वाले का 3 करोड़ हो गया था। अच्छा, बजट इतना हो गया था। हाँ। वो हाई बजट पे चला। हाँ। गया था, उनकी फिल्म आई इंडिया में। सही। तो वो हिट हो गया। हाँ। वो नहीं आ पाया। हाँ। फिर शमी बल शाह भी अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ। तो फिल्म हो गई बंद। तो वो डब्बे में ही रह गई। हाँ। तो चलें अब फिर दोबारा वो डब्बे से
अली गुलमला निकलेगा और बहुत अच्छे फिल्म में नजर आएगा। फिल्म में कास्ट हो गया हूं, आपको बताना भी जरूरी है। अच्छा बताएं तो सही ना, अपने अपने प्रोजेक्ट्स का, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। मैं दुबई में था अभी, तो यहाँ तो मैंने पहले भी बताया था, मुझे यासर नवाज साहब ने कास्ट किया और दुबई में था, उनका एक दोस्त है पड़ोसी, तो वो मुझे एयरपोर्ट पे मिला। अच्छा। कहते भाई रात ही आपके यासर भाई से बातें हो रही थी, तो आपको उन्होंने फिल्म में लिया है। मैंने कहा मैं तो बता चुका हूँ भाई इंटरव्यू में, ताकि कल को वो भाग जाए, पर फंसा हुआ है। सही। तो कौन सी फिल्म है, कुछ नाम वाम कुछ बताएं? नाम अभी पता नहीं है मुझे। अच्छा। लेकिन फिल्म है, उन्होंने मुझे बुलाया था कि फिल्म है। और इसके अलावा कौन से ड्रामे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसके अलावा ग्रीन पे अभी शूट चल रही है। अच्छा। इसके अलावा एक, उसमें आपने बताया कि बहुत मजे का कैरेक्टर है आपका। बहुत मजे का। अभी एक जियो की सीरियल है। अच्छा। उसमें भी माशाल्लाह, अब वो रमजान के बाद। अच्छा। तो अब जो काम है कुछ कमर्शियल हैं। हाँ। अभी माशाल्लाह अच्छी अच्छी बड़े हाँ, बड़े हाँ। कमर्शियल। अच्छा, क्या आर्टिस्ट की जो एक होती है ना सोर्स ऑफ इनकम होती है, जब जैसे वो मशहूर हो जाता है हाँ। तो उसके सबसे ज्यादा उसको इनकम कहाँ से मिलती है? कमर्शियल से। कमर्शियल से मिलती है, क्योंकि ड्रामा एक ऐसा है कि ड्रामे की एक लिमिट होती है बजट की, तो आर्टिस्ट की फिर वो लेवल भी देखते हैं भाई इस आर्टिस्ट को कितना बजट देना चाहिए, या करेक्टर का भी एक बजट होता है कि भाई ये करेक्टर का इतना बजट है। सही। तो वो ऐसे ड्रामे में आदमी को काम करना चाहिए आर्टिस्ट को, क्योंकि वहाँ से आपको बूस्टर मिलता है। हाँ। फिर कमर्शियल वो है, वो प्रोफेशनल है। अच्छा। हाँ। सही। एक मैंने उसका नाम ही कमर्शियल है। हाँ। एक इतने पैसे बताया मैंने हाँ। कि उसने दो दिन फोन ही नहीं किया। अच्छा। मैंने कहा ये तो चला गया हाँ। फिर दो दिन के बाद हमने वॉइस किया हाँ। उसके बॉस ने हाँ। कि भाई हम आपको पसंद भी करते हैं, थोड़ा कमवा। मैंने कहा ठीक है। सही सही। चलें, हमारी दुआएं हैं कि आपको, जो आपकी इतनी प्यारी आपने ख्वाहिश बताई कि आप अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको बेतहाशा नवाजे कि आप उनके लिए कुछ कर सकें। कैसे लोग आपको अच्छे लगते हैं? मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो हज़रत अली का कौल है, क्या बड़ा आदमी वो है जिसके सामने आप बैठे आप अपने आप को छोटा महसूस ना करें, वो बड़ा आदमी है। तो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं, वो चाहे बड़ा हो चाहे वो गरीब हो। बहुत बड़ी बात की आपने। हाँ। तो वो आदमी मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत बड़े बड़े डिंग मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत बिलियनियर, लेकिन वो नीचे मजदूरों के साथ बैठते हैं हाँ। और बहुत मजे मस्तियाँ हाँ। जैसे वो बात करते हैं वो मजदूर भी ऐसे उनको जवाब हाँ, देते हैं हाँ। तो ऐसे लोग बहुत पसंद आते हाँ। हैं, इनसे कभी खौफ नहीं होता किसी। सही सही। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कैसे लोग बुरे लगते हैं? बुरे लोग वो लगते हैं जो गरीबों का हक खाते हैं ना, वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। पैसा तो होता है लेकिन वो सखी नहीं होते हाँ। तुम्हें समझता हूँ ये गरीब है। सही सही। ये बहुत गरीब है। बिल्कुल। ऐसे चाहे करोड़पति वो गरीब है। बिल्कुल। तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा, लोगों के रवैयों में कुछ तब्दीली आप देखते हैं? जेलसी होती है लोगों को, कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनको जेलसी होती हो कि ये क्यों आगे निकल गया भाई, इनसे तो ज्यादा हम टैलेंटेड हैं, ऐसे हुआ है? मैंने इकबाल सईद अंसारी से ये एक बात मैंने बहुत सीखी। उस टाइम मैं जज्बाती था, मतलब छोटा था 96 में, तो फिर उन्होंने वो उसको बताते थे ना, कोई बंदे बताते थे या मेरी भी वो करते थे कि इसने ये किया, इसने ये किया, या किसी और की भी बताते थे, वो कहते छोड़ दे। हालांकि उसके अपने बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो आदमी आपके लिए ये बुराई कर रहा था, क्या छोड़, इंसान हो जाता है, छोड़ दे। लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं करता था वो रिएक्शन। फिर मैंने ये सीखा बर्दाश्त करना। मैंने कहा जो बोलता भी है, मैं कहता हूँ, फिर मैं बहुत उससे प्यार से मिलता हूँ, फिर कभी ना कभी उसको एहसास हो जाता है यार ये सही है, अच्छा है। बहुत बहुत मुश्किल होता है ये, लेकिन अगर ये फन आप सीख लें ना तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीख लिया है मैंने हाँ। मैंने कभी अभी वो दुख भी नहीं होता हाँ। बहुत सारी चीजें चली जाती हैं हाथों से हाँ। उसका दुख भी नहीं होता, जो आपके नसीब में होता है नसीब होता है। हाँ, और जो नसीब में होता है ना वो कहीं से उड़ के भी आ जाता है आपके पास, अगर इसका ये ईमान जो आपका, आप जैसे कहा कि अल्लाह ताला पे बहुत आपका ईमान है, पुख्ता ईमान है कि जो आपके नसीब में वो आएगा आपके पास। फनी क्वेश्चन पूछूं आपसे? अच्छा, किसी घर में आपको किसी जानवर के साथ बंद कर दिया जाए तो कौन सा जानवर आप रखना पसंद करेंगे? मुझे जो पसंद है ना, एक तो बकरी मुझे बहुत पसंद है हाँ, तो बकरी के जो बछड़े हैं छोटे छोटे हाँ, उनके साथ हाँ, फिर जो हरन है वो तो भी नायाब जानवर है हाँ, उसको मैं पसंद करता हूँ हाँ, तो उनके साथ मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता हूँ। सफाई फाई कर लेंगे उनकी अच्छा, कौन सी आदत आपकी आपकी अपनी आदत बहुत आपको अच्छी लगती है और आपको फ़ख्र है उस आदत पे, या आप समझते हैं कि हाँ
मुझे ये मेरी स्ट्रेंथ है, अच्छी लगती है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं बस माइंड नहीं करता, मिलता हूँ बस, ये मुझे अच्छी लगती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े आर्टिस्टों को, फिर लोग बुराइयाँ करते हैं, पीछे से बुराइयाँ करते हैं, और क्योंकि हमें आर्टिस्ट बनाने वाले लोग हैं, अगर लोग हमें पसंद ना करें, ना देखें, तो फिर तो ये हमारे वो महबूब हैं जो अब सोशल मीडिया का दौर है ना, कभी कभी हमारे जुमलों पर ऐसे कमेंट भी आते हैं, जो प्यार करता है ना वो फिर आपसे गुस्सा भी करेगा। सही। तो फिर मैं, मुझे ये आदत अच्छी लगती है कि मैं लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिलता हूँ। अच्छा, कोई बुरा कमेंट अगर आता है जो एकदम से लगता है दिल को, तो वो शुरू शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये कैसे है। हाँ। तो फिर मैं आदि हो गया। अच्छा। हाँ, उनको जवाब देते हैं वैसे कमेंट्स को? जवाब फिर जवाब नहीं देता हूँ, फिर किसी ने कहा कि आप जवाब नहीं दो, सिर्फ पढ़ो उस कमेंट को, फिर जवाब नहीं दो। तो वैसे आपका YouTube चैनल है या सोशल मीडिया पे लोग अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, जवाब देते हैं आप उनको, पढ़ते हैं वो? मैं बहुत सारे को देता हूँ जवाब। अभी मैं मिलाऊ कभी उर्दू में मैंने किया था, तो उसमें मिलियन से मिलियन लोग थे। अच्छा। आ गए थे, मतलब देखने वाले मिलियन थे व्यूज। तो तकरीबन सारी रात बैठ के तक बहुत सारों को जवाब दिया। अच्छा, आप खुद देते? हाँ, खुद ही खुद लिखता हूँ, क्योंकि उनकी बड़ी मेहरबानी है। हाँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट बाहर से लोगों ने, फिर उनको मैं जवाब देता हूँ बहुत सारों को। हाँ। इतने नहीं, सारों को। हाँ। मैं जो बड़े बड़े जो लिखे लोगों ने, हाँ, दास्तान, उनको जवाब। सही। और अपनी कौन सी बुरी आदत है आपकी जो आप बदलना चाहेंगे? बुरी आदत तो उसको भी नहीं कहूँगा, मैं अंधक हूँ। कभी कभी होता है कि अब बस सो जाऊँ, बस मतलब ऐसे सो जाऊं, मतलब थकावट इतनी। अच्छा, होती है, ज्यादा काम होता है, काम मतलब ना भी हो ना। हाँ। मैं करता रहता हूँ, चाहे फील्ड का काम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मिलता है। हाँ। लेकिन मैं घर का काम भी, प्लम्बर है उसको नहीं बुलाना, मैंने खुद करना। अच्छा। टक टक टक। तो फिर बहुत सारे काम मतलब खुद तकरीबन करता हूँ। खाना बना बना लेते हैं, कलर करता हूँ मैं। हाँ। कभी खाना बना लिया, बीवी और मैं अकेले थे जब हमने शादी की थी, तो घर भी हमने अकेला लिया था। तो शादी जब करते हो तो अकेले होते हैं? नहीं, बहुत रिश्तेदार होते हैं ना। अच्छा। मैं तो अकेला। अच्छा, कोई फैमिली नहीं थी आपकी? नहीं, फैमिली तो मेरी जो बाप था वो गांव में था। अच्छा। मैं इधर था, मेरा मामू इधर था। अच्छा। वो इधर रहता था, लेकिन मैंने पहले दिन ही बराबर में ही घर लिया। हाँ। लेकिन अलग लिया। अच्छा। मैंने कहा ऐसे करना है। वाह। हाँ, यकीन करे, मैंने पहले जो है वो एक गद्दा लिया था। हाँ। और एक तालपत्री जो थी ना प्लास्टिक कमरे के लिए, वो ली, एक वो लिया था मैंने मल्टीफोम का। तो वो मुझे उस दौर में तकरीबन 1500 का मिला था, अब तो 15,000 का होगा। हाँ, हाँ। तो वो लिया था। तो बीवी ने शुरू शुरू में तो जाहिर है struggle, वो मेरे मामू की लड़की थी, स्ट्रगलिंग का दौर होता है, तो आपकी बीवी ने कभी वो नहीं किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, मैं कहाँ आके फंस गई हूँ, कहाँ मेरी किस्मत फूटी है, ऐसे? नहीं नहीं, अब तो मैंने उसको समझाया था। हाँ। मैंने कहा हम शादी में हमारा रिश्तेदार बहुत बड़ी बड़ी फैमिली है, एक और रिश्तेदार है हमारे। हाँ। वो DIG वगैरह बने थे। हाँ। तो हमारे बहुत प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ। तो उनकी फैमिली अब उनकी लेवल है जाहिर है। हाँ। तो उनकी शादी में जब जाते थे तो हाँ। उनके सब रिश्तेदार जो है हाँ। वो या खवातीन या उनके जो मर्द हैं कपड़े अच्छे पहने, फिर हम तो उनका मैं बहुत प्यार करता था मुझसे वो, तो मैं जाता था उनके पास हर महफिल में। हाँ। तो मुझे लाजम, मेरे उनकी ड्यूटी होती थी, सबको कहता था, 20 लोग मुझे बताते कि भाई साहब ने कहा आना है, आना है। हाँ। फिर फैमिली के साथ जाना है। हाँ। तो हमारे कपड़े इतने अच्छे नहीं होते, सादे होते। हाँ। थे, मतलब होते नए थे लेकिन सादे। हाँ। उनके बड़े बड़े कपड़े भाई, बड़े बड़े शॉपिंग वाले थे आ रहे। हाँ। तो बीवी कहती थी कि भाई कपड़ों का दौर है अभी, हमसे जो ये अच्छी अच्छी औरतें हैं ये बैठती नहीं है, क्योंकि हमारे कपड़े सादे। अच्छा। तो मेरे घर कभी ले गए। हाँ। फिर तो एक मेरी बहन है वो उधर वहाँ से, मतलब उन पे शादी है ना उनकी। हाँ। हो गई है उन पे। हाँ। उन लोगों के पास। तो उनको मैंने कहा कि एक दिन मैंने कहा भाई अब जो है ना आप लोगों की शादियाँ होती है कपड़े महंगे पहनते। हाँ। मेरी बीवी को अभी कहाँ से लेते हैं आप लोग? हाँ। उन्होंने कहा हम तो भाई बड़े बड़े हाइपर के नाम लिए। हाँ। फिर पार्क टावर के नाम हाँ। लिए ऐसे। मैंने कहा वहाँ चलेंगे। हाँ। लकी वन कोई है शॉपिंग मॉल उधर। फिर वहाँ गए, वहाँ जब जुड़ा, मैं ATM ले गया था, ATM में कुछ 80,000 के करीब पैसे थे। अच्छा। तनख्वाह मनख्वाह मिली थी इधर उधर से भी। मैंने कहा भाई अब कपड़े लेंगे, ATM भी है,
तो वहाँ जब मैंने कपड़ों पर देखा तो वहाँ 18,000 जो मेरी बीवी को पसंद आए। तो मैं कह रहा हूँ ये खराब है, ये कैसे लगेगा? मैं पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि अगर आपको आपको शॉपिंग पर बीवी को ले जाए ना तो बीवी का हाथ पकड़े रखें, छोड़े ही ना। अच्छा वो भी मेरी बहन। हाँ, बड़े प्यार से लेके चले ताकि वो इधर उधर चली ना जाए शॉपिंग करने के लिए। फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि वहाँ, क्योंकि वो मेरी बहन जाती थी उधर, तो वहाँ एक वो सेल लगी हुई थी ना, सेल में फिर जो अच्छे जो कपड़े होते हैं ना वो आधी कीमत में मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा इनकी सेल लगी, वहाँ चलते, वहाँ चले। फिर वो आधी कीमत पे थे सारे। मैंने कहा ये अच्छे हैं, देखो इतने प्यारे हैं। फिर मैं खुद रख रख के उनको फिर ऐसे जो है ख्वाहिशें, मतलब छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं ये। सही बात है, ये पूरी करते हैं। सही बात है, ये छोटी छोटी ख्वाहिश होती है, लेकिन अल्लाह ताला जो जो इंसान को फितरत देता है ना, एक खुश रहने वाली और शुक्रगुजारी की जो फितरत होती है, उससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। क्योंकि आपके पास करोड़ों के आप कपड़े पहन लें लेकिन आप उसके अंदर खुशी ना हो, आप उसको इंजॉय ना करें, तो फ़ायदा क्या आपका? बहुत मज़ा, बहुत आता है मज़ा, है ना। अच्छा, बच्चों को आप क्या चाहेंगे, वो क्या बन, उस पर कोई ऐसा प्रोफेशन आप चाहेंगे उसमें जाएं? या मेरे दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, एक बेटी मैट्रिक में है माशाल्लाह, बहुत होशियार है वो। बेटा जो है वो उसने प्री इंजीनियरिंग की है, अब इंशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी में जाएगा। अच्छा, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जो हम नहीं कर सके हमारे बेटे उस जदीद तालीम है, ये इनका बहुत बड़ा, हमारे मुल्क में भी इसका ग्राउंड है, बाहर भी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको बाहर भेजूँ। तो मैं कहता हूँ हमारी फैमिली में पढ़े लिखे लोग हों, मेरी बहुत ख्वाहिश होती है। और जो आप माशाल्लाह से इतने प्यारे इंसान हैं, आप इतने डाउन टू अर्थ इंसान हैं, आप इतने मासूम सादा तबीयत के हैं, तो ये जो तरबियत आपने बच्चों को दी है ना, इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं है। जी बिस्मिल्लाह, बच्चों का जो अच्छा अच्छा एक इंसान बनाया है ना आपने अपने बच्चों को, ये के लोगों की कदर करो, लोगों की रिस्पेक्ट करो, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे। फिर मेरी बेटी जो है मैट्रिक में है, तो माशाल्लाह होशियार बहुत है। फिर छोटे छोटे को बच्चों को जो है ना उसने ट्यूशन में, अपनी बहन को भी, छोटी बहन है उसको पढ़ाती है। दूसरे जो बच्चे हैं ना जो प्राइमरी वाले केजी वाले, तो उनके ट्यूशन लेने आते हैं। तो एक दिन कहा कि मेरी बेगम ने कि आपकी बेटी है ना वो बच्चों को पढ़ा रही है, पर अपने घर में एक रूम सा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा ये शौक है इन बच्चों को जो आगे ले जाएगा। फिर उनको वहाँ से कुछ मिले पैसे, फिर मुझे और खुशी हुई। मैंने कहा ये अब जो है ना ताकत करेगा। हाँ बिल्कुल, बच्चों को हम इतना पैम्पर करते हैं, इतना उनको स्पॉइल कर देते हैं कि वो जिंदगी गुजारने के गुर नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल, उनको हर हाल में जब बच्चा सीख जाता है ना जिंदगी गुजारना, वो बड़ा कामयाब बच्चा होता है। गजल साहिबा, एक ये सबके लिए होगा, मैंने अपने बच्चों को, बेटा बड़ा बेटा माशाल्लाह बहुत जहीन और माशाल्लाह हमारे, मेरा यूट्यूब वही चलाता है, तो मैंने उनको कह दिया कि सब जो लोग हैं बाहर आपको जो मिलेंगे ना वो माँ बाप नहीं होंगे। कोई आपको मारेगा, कोई आपको डांटेगा, कोई आपसे धोखा करेगा, हमसे सब हुए हैं ये। वो आपके आपसे ऐसा प्यार नहीं करेंगे, दोस्त भी होंगे, प्यार भी करेंगे, फिर धोखे भी मिलेंगे, बहुत आपको तकलीफें सहनी होगी, उसमें मायूस नहीं होना है, क्योंकि वो आपका बाप नहीं है, वो कोई और है। तो आपको चलना ऐसे है, उनसे भी ऐसी इज्जत से पेश आना है कि वो आपसे प्यार करने लगे। सही, तो ये मैंने उनको सिखा दिया है। अच्छा, आपका ज़्यादा हम वक्त भी नहीं लेंगे, बच्चे कैसा फील करते हैं आपको अल्लाह ताला इतनी शौहरत दी है, सब आपको इतना पसंद करते हैं? अब क्या, तो बहुत फख्र करते हैं। मेरा बेटा तकरीबन मुझे चीज़ें भेजता रहता है, को मैं इतनी चीज़ों में अंदर नहीं गया हूँ। हम वो आर्टिस्ट हैं जैसे फकीर टाइप के आर्टिस्ट, मलंग, सिर्फ अपने काम से काम, पता ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में। तो वो मुझे भेजता रहता है, अबू इसने आर्टिकल आपका छपा है, इसने ये किया है, यहाँ से इसने ये लिखा है, फिर विकीपीडिया पे भी आ गया है आपका नाम। तो ये चीज़ें वो खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अच्छा, अल्लाह के बस बहुत करम है। अच्छा, तो मेरी खुशियों में इतनी उनकी खुशी होती है। तो अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आपको? दुनिया भर में देखा जा रहा है, आपके बहुत सारे फैंस आपको देख रहे हैं, क्या उनसे कहेंगे? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको जो दौलत मिली है ना, वो चाहे शोहरत वाली हो या माल की, पैसों की हवाले से आपको जो दौलत मिली है ना, उसको फजूल ज़ाया ना करें। आपके बच्चों पर ऐसा वक्त आएगा कि आप अमीर हैं, वो गरीब हो जाएगा, मैंने देखा है। तो ये सोच रखें, जो दौलत है उसको ज़ाया नहीं करें, फजूल खर्च ना करें, उसको ऐसा चलाएं और सदका भी दें
और खैरात भी करते रहें, गरीबों का ख्याल रखें, आपकी बहुत आगे माल आने वाला है। हाँ सही सही, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, हमने बहुत सारी आपसे बातें, बहुत सारी बातें रह भी गई होंगी। अच्छा कुछ कोई डायलॉग तो बोल के दिखाएं अपने ऑडियंस के लिए, वो कहेंगे इश्क मुर्शिद की बातें नहीं की आपने और भल्ले भल्ले की बातें नहीं की। तो वो कहते ऑर्डर देता, मैं बहरा होता हूँ होटल में, तो ऑर्डर देता है, कहते क्या क्या पका है, मैं जो बोलेंगे वो मिल जाएगा। भाई ऐसा करें, एक मटन की कढ़ाई, बकरे का गोश्त मटन, एक बीफ, बीफ बड़े का गोश्त, और क्या पकता है आपका, और झींगा, नारेजी मच्छी झींगो केर खाइंदो मामू, नारेजी मच्छी झींगो केर खाइंदो मामू। तो कहता है लेके आप, मैं चला जाता हूँ। उसके बाद वो टिप जो है बिलाल अब्बास को दे देता है। अच्छा, तो 5,000 का टिप। मुझे, मैं देखता हूँ, मैं आता हूँ, लेटे रखता हूँ, मैंने कहा खिदमत आपकी मैं करूँ, आप टिप किसी और को, ये तो आपने सही सीधी भले कर दी। तो ये बहुत हंसा था फारूक साहब, इसमें मना खेस जुमला था। सही, ये असल में क्या होता है कि कोई डायलॉग जो होता है ना, वो पूरा एक माहौल बनता है आपका ड्रामा। अक्सर लोगों को ये कहा जाता है ना, अच्छा कोई डायलॉग तो बोल के दिखाएं, तो बड़ा मुश्किल होता है उस आर्टिस्ट के लिए बगैर माहौल के, बगैर सब। लेकिन आपका जो है ना कैरेक्टर, आपको जब मैंने देखा है हंसते मुस्कुराते ही देखा है आपको। तो आज पहली दफा आपको रोते हुए भी देखा मैंने। एनीवेज तो थैंक यू सो मच, मौला सलामत रखें। हाँ, इनका यही स्टाइल है, जब आप इनसे बात करें तो वो कहेंगे मौला सलामत रखें। तो मौला सबको सलामत रखें, आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी इज्जत शोहरत, जो जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करे, आपके बच्चों में जो आप देखना चाहते हैं जिस तरह से वो आगे बढ़ें उसी तरह से वो बढ़ें। और कोई बात रह गई हो तो बस ये बात है कि ये बच्चे जो हैं, जो जिसको अल्लाह देता है ना, वो समझो अल्लाह की ड्यूटी कर रहा है। यानी उसको अच्छा अच्छी परवरिश करेगा, समझो उसने अल्लाह की ड्यूटी की, क्योंकि उनके बंदे हैं, वो मेरे साथ कब्र में नहीं सोएंगे। सही बात है, ये उनके बंदे हैं, आगे पता नहीं क्या करेंगे, ये अल्लाह के, ये हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ये ड्यूटी सौंपी है। बिल्कुल, और अच्छी तरबियत दे बच्चों। बिल्कुल, आपके 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। जी हाँ, सही सही। चलें बहुत शुक्रिया अलीगुल, आपने अपनी रिकॉर्डिंग के बीच से ये आए हैं रिकॉर्डिंग छोड़कर मेरे कहने पे, और सोना है सबके। सलामत रहें, बड़ी खुशी है। बहुत शुक्रिया, ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आपको फजल बख्श की प्यारी प्यारी सी बातें, और किस किस टॉपिक्स पर आप देखना चाह रहे हैं ये पॉडकास्ट, ये कैजुअल टॉक। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डिफरेंट प्यारे प्यारे लोगों से मिलवाऊं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स से मिलवाऊं, बहुत सारे टॉपिक्स जो नए नए टॉपिक्स हैं उन पर भी हम बात करें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।